संघर्ष जीवन की एक सच्चाई है। इन संघर्षों को पार करते हुए जो सफलता को हासिल करता है और ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां वो अपने समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, हमें उन पर अभिमान है। वाराणसी में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए स्वयं को स्थापित किया और आज वे समाज के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। ऐसी ही एक महिला हैं प्रोफेसर मंगला कपूर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय से 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद अपने घर पर लड़कियों को बिना किसी शुल्क के संगीत की शिक्षा दे रही हैं, जिससे ये लड़कियां आगे चलकर सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। ये मंजिले है कौन सी? प्रोफेसर मंगला कपूर ने जीवन में जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना किया उसकी कल्पना मात्र मन को विचलित करने के लिए पर्याप्त है। प्रोफेसर मंगला कपूर का बचपन बहुत ही मुश्किलों से घिरा था। मात्र 11.5 वर्ष की उम्र में एक पारिवारिक विवाद में उनके ऊपर तेजाब फेंके जाने के कारण जीवन पर मौत का खतरा मंडराने लगा। पहले तो इन्होंने जीवन बचाने के लिए संघर्ष किया, फिर स्वयं को स्थापित करने के लिए। इस संघर्ष में पूरा परिवार इनके साथ था। जब से इनका तकलीफ हमने ज्यादा देखा, माता पिता के जाने के बाद से कोई साथ देने को तैयार नहीं था, तो हमने अपना सारा जीवन इनको अर्पण कर दिया। तुम जब तक रहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम इतना हम चाहेंगे तो तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैंने इनका साथ दिया, इनके हर सुख में दुख में इनके बरोबर खड़ा रहता रहा। जीवन तो बच गया किंतु घटना के निशान आज भी बने हुए हैं। जब भी कहीं प्रोफेसर मंगला लोगों के बीच जाती तो तरह तरह के प्रश्न उन्हें अवसाद ग्रस्त करते थे, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ठानी। दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों के बाद एक समय ऐसा आया जब संगीत जगत में इनका खूब नाम हुआ। बनारस के लोग इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जानने लगे। 10 साल तक इनका खूब नाम चला। बाहर मेरा गाना बजाना शुरू हुआ। कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे स्टेज पे गाने के लिए प्रेरित किया, तो वो करीब 10 साल मेरी बहुत धूम थी। यानी बनारस से लेके कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने परफॉर्मेंस ना दिया हो और जहाँ मेरा झंडा ना खड़ा हुआ हो। मतलब सब लोग मुझे इतना लाइक करने, मुझे तो प्यार उस समय मिला, सारी पब्लिक से मिला, सब लोग मुझे हाथों पे लेते थे। उसी के आधार पे मुझे बनारस की लता की उपाधि भी दी गई उसी बीच, और फिर मैं रुकी नहीं। एक के बाद एक मैं मुकाम हासिल करती गई। फिल्म कन्यादान में इन्होंने एक गीत भी गाया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 13 लोगों ने इनके दिशा निर्देशन में PhD किया है। इन्होंने संगीत के विद्यार्थियों के लिए 4 पुस्तकें भी लिखी हैं। 2019 में सेवानिवृत्ति के बाद भी ये महिला महाविद्यालय पहुंचकर यहां संगीत के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती हैं, जिससे ये लड़कियां आगे चलकर संगीत में अपना नाम रोशन कर सके। जैसे गौरैया तिनका तिनका जुटाकर अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही प्रोफेसर मंगला कपूर ने एक एक कर संघर्षों के पायदानों को पार कर आज ये मुकाम हासिल किया है और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। वाराणसी की ही रहने वाली एक अन्य महिला पूनम राय,
विवाहोपरांत दहेज के लिए प्रताड़ित की गई। पूनम के दुखों की पराकाष्ठा तब हुई जब इन्हें दहेज के लालच में ससुराल वालों ने छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। जब होश आया तो पता चला कि स्पाइनल इंजरी के कारण अब वो अपने पैरों पर नहीं चल सकती। लगा जैसे जीवन में ठहराव आ गया। लेकिन इनके पिता और बड़े भाई ने हौसला दिया और जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा दी। पूनम अपने जीवन में विशाल बनना चाहती है, उन औरतों को आगे बढ़ाना चाहती हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, उनको इसकी तरह हिम्मत होनी चाहिए। पूनम ने चूंकि पेंटिंग से ऑनर्स किया था इसलिए इन्होंने कला का दामन थामा और इसे ही अपना जीवन बना लिया। पूनम ने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 6.5 फीट लंबे 6 फीट चौड़ी कैनवास पर 17 दिनों के रिकॉर्ड समय में कड़ी मेहनत के बाद एक पेंटिंग बनाई है जिसमें बच्ची के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सभी भावों को उकेरा गया है। ये पेंटिंग वो देश के प्रधानमंत्री को सौंपना चाहती हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के समय वो ये बात उनसे कह चुकी हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई BHU से हुई, पेंटिंग ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है मैंने और 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में अपना नाम दर्ज कराया। एक बार 648 फेस बना के जो आप पीछे देख रहे हैं इसको मैंने बनाया 17 दिनों में और ये पेंटिंग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करना चाहती हूँ। अभी ये तमन्ना मेरी अधूरी है, इसको पूरा करना है। पूनम समाज के लिए एक मिसाल है और वो उन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं जो लाचार और बेबस हैं। पूनम का कहना है कि वो हर वो काम करना चाहती हैं जो लोग कहते हैं कि वो नहीं कर सकती। पूनम BR फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाती हैं, जिसके माध्यम से वो महिलाओं और बेटियों को मुफ्त में पेंटिंग सिखाती हैं तथा उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए कराटे और डांस क्लास भी चलाती हैं। 2019 में इन्हें काशी शक्ति अवार्ड से नवाजा जा चुका है। पूनम का मानना है कि दुख और तकलीफ से निकलने के बाद जो जुनून और हिम्मत होता है वो समाज के काम आता है।